टुडे न्यूज हुण हर खबर तुहाडे तक। SSP संदीप गोयल दी दिशा निर्देशां दे विच अज बरनाला शहर के वख-वख पिंडां दे विच सैनीटाइजर ते मास्क वंडे गए अते डोर टू डोर जाके लोकां नूं अवेयरनैस कराया गया कि तुसी कोरोना तो किस तरह बच सकदे हो। बरनाला टुडे लई रघुवीर सिंह हैप्पी दी रिपोर्ट। मुख्यमंत्री साहब तो माननीय DGP साहब पंजाब SSP साहब बरनाला दिशा निर्देशों में असी अज बरनाला फतेह मिशन के तहत असी डोर टू डोर कैंपेन चलाया जिस विच असी बरनाला शहर के जिले के वख वख एरिया असी मास्क सैनिटाइजर किटा तो अवेयरनैस कैंप चलाया डोर टू डोर जिमें कि असी खुडी गुलसपेट टप्पे के बरनाला वख वख कलोनिया जिमें ग्रीन एवेन्यू कलोनी लखी कलोनी लेबर चौंक असी इतने लोगों को जागरूक किया मास्क वंडे इन्हों कोरोना बारे वो तो जिन्ना भी अवेयरनैस दस सकते हो कि प्रीकॉशन है क्योंकि ऐसा चल रहा इलाज कोई नहीं आया है इसलिए प्रीकॉशन के तहत असी फतेह मिशन के तहत असी महलकलों में भी असी काफ़ी लोगों को जागरूक किया डोर टू डोर कैंपेन किया। 10 अप्रैल में लगता लोगों को कोरोना वायरस में लेकर अवेयर होना चाहिए जी। हाँ नहीं नो डाउट जी लोगों को जिमें केसिस देख रहे हैं कि हम हौली हौली बढ़ते जा रहे हैं केसिस पीक टाइम यहाँ हौली हौली आ रहा है तो लोगों को हम बद अवेयर होना चाहिए है। टेस्टिंग भी वैसे शुरू हो चुकी है काफ़ी लोगों की टेस्टिंग भी चल रही है तो हम अवेयरनैस की लड़ है आपको क्योंकि इलाज हाले तक नहीं है कोई वैक्सीन नहीं बनी तो मैक्सीम जिनी अवेयरनैस है जिम्मे मैक्सीम जिन्ना सोशल डिस्टेंस है बाहर निकलते मास्क वेयर कर सकते हैं हाथ में बार बार धो। मानयोग CM साहब पंजाब मानयोग DGP साहब पंजाब मानयोग साढ़े SSP साहब बरनाला दिशा निर्देशों तक असी जी अज मुहिम चलाई है इस मुहिम का बहुत वधिया रिजल्ट मिलेगा और असी ग्रीन एवेन्यू के लखी कलोनी के और बाल्मीक चौंक के लोगों को मास्क वगैरह वंडे ने और अवेयरनैस किया उन्होंने किट वगैरह भी दी है जिन्हें डॉक्टर साहब से डॉक्टर साहब ने भी बहुत वधिया अवेयरनैस किया लोगों को कहा कोई इलाज नहीं जिन्ना जिन्ना तुम भेज वगैरह करोगे उन्नी बेस्ट है उन्नी तुम कोरोना तो मुक्त हो जाओगे। देखो जागृत जो हम 4 महीने से जागृत नहीं हुए देखो अवेयरनैस का हरेक ही है हर बंदा अवेयरनैस हो चुका ये अवेयरनैस ही एक बहुत बड़ी जी प्राप्ति कही जा सकती है कोरोना को खत्म कर ले तो फिर देखो जो कोई इदा करेगा तो फिर गांव का रिजल्ट माड़े आऊंगे।